नमस्कारम साथियों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 6 अक्टूबर को आपके एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए मैं आपके लिए चार सीरीज लेके आऊँगा 35-35 प्रश्नों की, जिसमें से मैं आज आपके लिए सेकंड नंबर दो नंबर वाली सीरीज लेके आया हूँ। आई होप आपने कल उसे देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाई देने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो जब हमारे पास कंटेंट ज़्यादा बड़ा हो और वह सेल में नहीं आ रहा हो अच्छे से, तो हम उसे रैप टैक्स करते हैं। रैप टैक्स ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, रैप टैक्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अच्छा कथन या सबसे सही कथन कौन सा है? ब्लूटूथ की संचार सीमा वाईफाई की तुलना में उच्च होती है, कोएक्सियल केबल दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तार एक दूसरे के चारों ओर ट्विस्टेड होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है। तो इसमें सबसे सही कौन सा होगा? कथन तो तीनों ही सही है, लेकिन इसमें पूछा है अपन से कि ज़्यादा अच्छा कौन सा है। तो इसमें सबसे अच्छा है आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम होता है। फिर देखिए प्रश्न संख्या तीन, निम्न में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प यानी कि जिसमें कैश बिना कैश के लेन देन होता है वह बताना आपको। तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी आ जाएंगे, क्योंकि हम जब कोई पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो तीनों का सर्वाधिक तीनों का ही उपयोग होता है। वैसे ज़्यादातर यूज नेट बैंकिंग का करते हैं, लेकिन कोई लोग ATM से डेबिट कार्ड से भुगतान करना पसंद करते हैं, और जो उधार आप सामान खरीदते हो तो उसमें क्रेडिट कार्ड से। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। टोंगल कीज कौन सी होती है? तो टोंगल कीज होती है आपकी कैप्स लॉक होती है, नंबर लॉक होती है, स्कोर लॉक होती है, तीनों की तीनों होती है। तो उपरोक्त सभी। कच्चे तथ्यों जैसे अक्षर, शब्दों और ध्वनियों को क्या कहा जाता है? जो अक्षर, शब्द, ध्वनि, वीडियो, फोटो, ये जो भी आ जाए जो हम कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं, उसे हम डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? डाटा। दोस्तों चैनल पे बने रहें, जो हम बता रहे हैं उस पे अच्छे से आप विश्वास करें और समझें, ताकि आपके एग्ज़ाम में से पूरे मार्क्स आप ला सकें और आपका पेपर अच्छा हो सके। अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अंडू के लिए होती है कंट्रोल के साथ जेड, कंट्रोल के साथ जेड, और कंट्रोल के साथ वाई हो जाए अपने पास, कंट्रोल प्लस वाई, वो होती है आपकी रीडू के लिए। कंट्रोल के साथ वाई होती है आपकी रीडू के लिए, जेड होती है अंडू के लिए, वाई होती है रीडू के लिए। अंडू क्या करता है? जो आपने लास्ट काम किया था वहाँ तक आपको पहुँचा देता है, यानी कि जस्ट पहले का काम आपने जो किया था वहाँ आपको ले जाके अंडू छोड़ देगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या सात, विंडो 10 के लिए बुलेट इन रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा होता है? तो विंडो 10 में कोर्टाना नहीं, इसमें तो हम बोल करके सर्च कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये जो अपना इंटरनेट एक्सप्लोर था उसकी जगह आया है विंडो 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज। यह तो वे ब्राउज़र होता है, तो ये भी एंटीवायरस नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर कल मैंने बताया था आपको कि जो हम संगीत देखते हैं, वीडियो सुनने होते हैं, हम तो मीडिया प्लेयर का उपयोग करते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। विंडोज़ डिफेंडर ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, ये एंटीवायरस होता है, रियल टाइम एंटीवायरस होता है विंडोज़ डिफेंडर, जो डिफेंड करता है, जो डिफेंस करता है विंडो का, उसे कहते हैं हम विंडोज़ डिफेंडर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर PD VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IC का उपयोग करती है, यानी कि VLSI के साथ IC इंटीग्रेटेड सर्किट का भी उपयोग करती है। तो ऐसा कौन सी PD में हुआ था? तो ऐसा आपके साथ चौथी PD में हुआ था, चौथी PD के जो कंप्यूटर आए थे उनमें VLSI के साथ IC का भी उपयोग किया गया था। VLSI 3rd PD में आई थी, जबकि उसके साथ हमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करके उसे चौथी में दोनों का यूज़ किया गया था, IC का और VLSI का। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण इनपुट और आउटपुट, हाँ सही है एकदम, इनपुट और आउटपुट, MS वर्ड नहीं, ये तो नहीं है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के उदाहरण होते हैं। फिर देखिए आप आगे, 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो MS वर्ड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है,
एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, स्कैनर अपनी इनपुट डिवाइस होती है स्कैनर, जिसमें हम स्कैन करते हैं कागज़ों को, यानी कि जो आउटपुट यानी कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करती है, वो होती है आपकी स्कैनर। और इसका जस्ट उल्टा होता है प्रिंटर, जो क्या करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। तो इसमें क्या पूछा था कि सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रिंटर ड्राइवर। जब अपन प्रिंटर डाउनलोड करते हैं तो उसके ड्राइवर्स आते हैं, तो इंस्टॉल किया जाता है, तो ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर एक डिवाइस है, तो कौन सा डिवाइस है, वो भी इनपुट डिवाइस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अंदर क्या होता है, डिवाइस होता है। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 11, डिस्क पर एक नामित स्थान है जहाँ फाइल संग्रहित। अपन फाइलों को इकट्ठा करके रखते हैं, तो किस में रखते हैं इकट्ठा करके, फोल्डर्स के अंदर। किस में रखते हैं, फोल्डर्स के अंदर। एमएस एक्सेल में छोटे चार्ट्स एक सेल में एम्बेडेड होते हैं, जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है स्पार्क लाइन्स। उन्हें क्या कहा जाता है, स्पार्क लाइन्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उपकरण है जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी देती है, जो हमें हार्ड कॉपी देती है, तो वो होती है आपका प्रिंटर। क्या होता है आपका प्रिंटर, तो इसमें ऑप्शन है नहीं, इसका राइट आंसर होता है प्रिंटर। इसके अंदर प्रिंटर का उल्टा होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, इसके अंदर इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर हार्ड कॉपी को, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, और स्कैनर ये जो आपकी हार्ड कॉपी है तो उसको सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है स्कैनर। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर, इसमें है नहीं तीन ऑप्शन में, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को क्या कहा जाता है, फील्ड रिकॉर्ड एंट्री फाइल। तो उसे क्या कहा जाता है, डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड या फाइल। तो उसे कहा जाता है फाइल, क्या कहा जाता है उसे, फाइल। आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का समर्थन अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए करता है, यानी ये आउटपुट जो बताया है इसमें देखना एक बार। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का समर्थन अपने आंतरिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए करता है, यानी कि जो आपके जो मैनेजमेंट है कंप्यूटर डिवाइस का, उसके सिस्टम को सही मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या वो कौन सा होता है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आंतरिक संसाधनों को भी मैनेजमेंट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। या पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो भी अपना सही होता, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो भी अपना सही है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 16, किसका उपयोग उस दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, यानी किसके उपयोग से आप जो आप दस्तावेज में लगाए हो उसे हर पृष्ठ पे ला सकते हो, या प्रत्येक पृष्ठ पर उसे ला सकते हो। तो मेल मर्ज, नहीं, मेल मर्ज के द्वारा तो हम एक मेल को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। बुकमार्क और हाइपरलिंक, नहीं, हाइपरलिंक से तो किसी नाम या शब्द के साथ आपकी चालू फाइल के अंदर कोई दूसरी फाइल का आपको लिंक ऐड करना होता है, तो वो होता है आपका हाइपरलिंक। और याददाश्त रखने के लिए कि लास्ट में अपन ने कहाँ तक काम कर लिया था, वो याद रखने के लिए आप बुकमार्क का यूज़ करते हो। सेव और सेवेज, नहीं, ये तो आपको पता है, सेव तो क्या होती है, पहली बार फाइल को सुरक्षित करने के लिए, और सेवेज होती है जो फाइल पहले से सेव है उसमें नाम और स्थान परिवर्तित करने के लिए। हेडर और फुटर, ये सही एकदम करेक्ट आंसर है। हेडर और फुटर को आप एक पेज पे लगाओगे तो उस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं उन पे सब क्या आएगा वो। तो इसमें क्या बोला, प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, तो ये सही है इसके अनुसार, हेडर और फुटर, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखिए आप MS Access 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग क्या है। MS 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड, फिल्टरिंग रिकॉर्ड क्या होता है कि भाई वो रिकॉर्ड आपको जो चाहिए होता है सिर्फ वही आए आपके सामने, बाकी उसके आसपास के रिकॉर्ड हैं वो आपके आसपास भी ना आए, जिसकी ज़रूरत है वो आपके सामने आए, वो आपके पास शो हो जाए। फिल्टरिंग का यही मतलब होता है। तो देखिए ऑप्शन ए, यह आपको केवल उस डेटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना और जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यह सही है एकदम, यह आपको केवल उस डेटा को देखने की अनुमति देता है जिसे हम देखना चाहते हैं या जिस पर हम काम करना चाहते हैं। तो मैंने बताया पहले ही आपको ये। फिर देखिए ऑप्शन बी, यह आपको संबंधित प्राप्तकर्ता को मेल लिखने की अनुमति देता है, नहीं, ओरिएंटेशन बदल सकता है, नहीं, रिकॉर्ड हटा सकता है, नहीं, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर होगा कि जो हमें ज़रूरत है सिर्फ वहाँ तक ले जाके छोड़ देगा हमें, फिर आप उसे देख सकते हो या उसमें काम कर सकते हो। ये होता है आपका फिल्टरिंग करना।
प्रश्न संख्या 18, यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो जाता है तो क्या हो सकता है? अगर फायरवॉल ही बंद हो गया अपने पास तो आपके कंप्यूटर में क्या क्या हो सकता है? तो आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, आपके कंप्यूटर में कोई भी यानी आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें आपके कंप्यूटर में आ सकती है, आपका डेटा चुराया जा सकता है, ये सब चीज़ें होती है फायरवॉल बंद होने से। तो देखिए इसका आंसर क्या है, विंडोज़ फायरवॉल बेकार है, कुछ नहीं होगा। नहीं, गलत बात है ये। आप अपने सिस्टम पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, गलत है। आप इंटरनेट सर्फ करने में सक्षम नहीं है, गलत है। आप सिस्टम हैकर्स दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से क्षति के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है, ये बात सही, एकदम ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगर फायरवॉल बंद हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। देखिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को अच्छे से समझें, जो बता रहा हूँ उन्हें सुने अच्छे से, और जो आपको दिखाई दे रहा है उन्हें पढ़ने की कोशिश करें, आपका पेपर अच्छा होगा। वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, जो आपके साथ वालों के एग्ज़ाम है 6 अक्टूबर को उन्हें आप भेजें ताकि वो समझ सकें। इसके अलावा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, इन प्रश्नों, ये प्रश्न आजकल तो हर जगह आ रहे हैं, कंप्यूटर हर जगह पर आ रहा है। तो देखिए इसी सीरीज में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान जहाँ प्राप्त ईमेल को रखा जाता है, यानी कि जो हमें रिसीव हुई है मेल वो कहाँ आती है? रिसीव हुई मेल आती है आपके पास इनबॉक्स के अंदर, किस में आती है वो? इनबॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनबॉक्स। ट्रेस में आते हैं, जो डिलीट कर दिया आपने मैसेज उस किस में चले जाएंगे? ट्रेस के अंदर। सब्जेक्ट, जो आप कोई भी मैसेज टाइप करते हैं, आप कंपोज मेल करते हो तो उसमें आपको सब्जेक्ट डालना पड़ता है, तो उस सब्जेक्ट के लिए बोला इसमें। फिर लास्ट बचा अपने पास सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि एक एड्रेस डालना तो एक एड्रेस डाल दिया आपने जीमेल एड्रेस, उसके बाद में और ज़्यादा जरूरत है तो आप सीसी लगाइए, उसके बाद में और ज़्यादा आपको ज़रूरत है, यानी कि एक ही मैसेज को, एक ही मेल को आपको ज़्यादा लोगों को भेजनी है एक साथ, उसमें पता भी ना चले, तो आप बीसीसी का प्रयोग करते हैं। तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपका प्रश्न पूछा था प्राप्त ईमेल कहाँ होते हैं? इनबॉक्स में होते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद या पैराग्राफ दर्ज करने के लिए आप एंटर की का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं आप? एंटर की का। निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? तो एमएस वर्ड में देखो क्या क्लिप आर्ट आती है, नहीं आती? आती है क्लिप आर्ट। प्रेजेंटेशन नहीं आता, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में आता है। हेडर और फुटर आते हैं, कहाँ आते हैं? इंसर्ट टैब में आते हैं। बुकमार्क और हाइपरलिंक भी आते हैं इंसर्ट टैब में, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेजेंटेशन, जो कि एमएस वर्ड से संबंधित नहीं होता। एमएस एक्सेस 2010 में इंडेक्स क्यों बनाया जाता है? तो एमएस एक्सेस 2010 में इंडेक्स बनाने का जो कारण होता है वो देखिए, यह तेज़ी से रिकॉर्ड खोजने और शॉर्ट करने के लिए एक्सेस की सहायता कर सकता है, इसके लिए हम इंडेक्स में आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, यह डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को बदल सकते हैं, यह डेटाबेस के डिजाइन दृश्य को बदल सकते हैं। इसके बाद में है एमएस एक्सेस 2010 में इसका कोई उपयोग नहीं होता, तो बताइए इंडेक्स बनाने का क्या होता है? कि आप तेज़ी से रिकॉर्ड को खोजने और शॉर्ट करने में, एक्सेस करने में सहायता आपको मिल सकती है इससे, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आप, निम्न में किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए किसे जाना जाता है? एमएस आउटलुक को, पेंट को, ओवरलुक को, एमएस एक्सेस को। तो इसमें क्या आता है, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आता है। आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं, किसके द्वारा? ब्लूटूथ के साथ, यूनिकोड के द्वारा, ईमेल के द्वारा। तो यूनिकोड तो एक लैंग्वेज होती है, ब्लूटूथ से कर सकते हैं हम, ईमेल से भी कर सकते हैं, तो उपयोग दोनों सही है। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की गति को, कल भी ये प्रश्न आया था कि डेटा ट्रांसफ़र की गति को किस में मापते हैं हम? बिट्स पर सेकेंड में मापते हैं, बिट्स पर सेकेंड। वेब ब्राउजर में किस पर वांछित का URL इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें? तो कहाँ करते हैं हम? वेब ब्राउजर पे करते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये एड्रेस बार पे होता है, जो एड्रेस बार जहाँ पे आप टाइप करते हो, जैसे आप किसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे सर्च करने के लिए, तो जहाँ आप टाइप करते हो उसे एड्रेस बार बोलते हैं। एड्रेस बार के ऊपर ही लिखा होता है URL, जो आप टाइप कर रहे हो उसे URL कहा जाता है उसे। तो कहाँ टाइप करते हैं? URL एड्रेस बार पे इनपुट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ
किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है, यानी कौन सी होती है वो जो हमें हैकर से बचाती है। तो अभी प्रश्न आया था कि फायरवॉल के ख़राब हो जाने से या फायरवॉल के नहीं होने से क्या हो सकता है, इसका वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि जब आपका कंप्यूटर को आपके हैक होने से या बाहरी खतरों से बचाना हो तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो आप फायरवॉल का प्रयोग करोगे। VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आमतौर पर उसे क्या कहा जाता है, तो भाई आपका कंप्यूटर चालू है लेकिन आपका रीसेट नहीं हो पा रहा है तो क्या हो गया, वो हैक हो गया किसी के द्वारा या हैंग हो गया थोड़ी देर के लिए, तो हैंग हो जाएगा इसका। MS एक्सेस डिफ़ॉल्ट डेटा प्रकार है, MS एक्सेस में क्या होता है डिफ़ॉल्ट डेटा, टैक्स, करेंसी, नंबर, यस और नो। तो इसमें टैक्स आता है कि टैक्स तो आपके पास आगे से आता ही है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है, लिनक्स, गूगल क्रोम, MS-DOS एंड गूगल एंड्रॉयड। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, गूगल क्रोम भी होता है, गूगल क्रोम नहीं होता है, यह तो वेब ब्राउजर होता है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका शायद। MS-DOS होता है, एंड्रॉयड भी होता है, तो गूगल क्रोम क्या होता है एक वेब ब्राउजर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। निम्न में फाइल या फोल्डर को रिसाइक्लिंग से स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भाई रिसाइक्लिंग, कल बताया था मैंने रिसाइक्लिंग क्या होता है, आपके कंप्यूटर का कचरा पात्र होता है, जहाँ डिलीट किए गए फोल्डर, डिलीट की गई कीज़ वगैरह सब आपकी कहाँ पड़ी होती है, रिसाइक्लिंग में, जिसे आप कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। फिर अगला प्रश्न है विंडो 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर चार विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो वो था आपका स्नैप असिस्ट, जो आपकी एक स्क्रीन पे आप चार स्क्रीन लगा सकते हैं, किसके द्वारा, स्नैप असिस्ट की सहायता से आप चार विंडो वहाँ जोड़ सकते हैं, याद रखना दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 34, MS PowerPoint 2010 की फाइल को बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, तो फाइल को बंद करना है पावर पॉइंट की फाइल को आपको बंद करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो ऑप्शन ए है फाइल टैब पर क्लिक करें और क्लोज विकल्प का उपयोग करें, इससे बंद हो जाएगी आपका प्रेजेंटेशन, सही है। ऑप्शन बी है कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ W, वो दबाओगे आप तो पावर पॉइंट बंद हो जाएगा, ये भी सही है। फिर ऑप्शन सी है आपके विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन का प्रयोग करिए, तो वह पहले वाला की तरह ही ऑप्शन आ गया, एक की तरह ऑप्शन है, तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 35, पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ प्रदर्शित करता है, यानी कि जो सिर्फ पाठ दिखाता है, वो आपका कौन सा होता है, आउटलाइन व्यू, वो क्या होता है आपका, आउटलाइन व्यू होता है आपका। तो साथियों आई होप आपको समझ में आया होगा, आप चैनल पे जुड़े रहें, वह एग्ज़ाम तक आपके पास अभी इसके बाद में दो सीरीज और आएगी 35-35 प्रश्नों की, तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, वह हमारे साथ जुड़े रहें, जो भी आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।